नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार, आप सभी लोगों का लर्निंग स्किल पे स्वागत है। दोस्तों, आज है 1 जून और आज से रिलेटेड सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। सेंटर एलोकेट RS 3411 करोड़ टू ग्रांट विच स्टेट अंडर द जल जीवन मिशन। तो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों गुजरात। गुजरात को ये ग्रांट किया गया है जल जीवन मिशन के तहत। और गुजरात की बात करें तो यहाँ के सीएम है विजय रूपानी और यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री अप्रूव हाउ मेनी एनुअल प्लान फॉर द जम्मू कश्मीर अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। तो राइट ऑप्शन होगा ए 1163.4 करोड़। किसको दिया जाएगा दोस्तों? जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर को नेशनल हेल्थ मिशन के तहत। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। कौन है दोस्तों? मनोज सिन्हा। नेक्स्ट देखते हैं, उड़ान स्कीम ऑफ द पंजाब स्टेट सो हु इज अपॉइंटेड एज द स्पेशल टास्क फोर्स हेड। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए अरुणा चौधरी। कौन दोस्तों? अरुणा चौधरी, इनकी हेड अपॉइंट किया गया है स्पेशल टास्क फोर्स के लिए। और पंजाब के सीएम कौन है? हरमिंदर सिंह। कौन है? हरमिंदर सिंह। और गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है दोस्तों? गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। कौन है? वीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी जीडीपी परसेंट इन द जनवरी टू मार्च ऑफ द लास्ट फिस्कल क्वार्टर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए 1.6%। ये जीडीपी रही लास्ट क्वार्टर की दोस्तों, जनवरी से मार्च के बीच में इंडिया की। कल की रिपोर्ट आई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, पब्लिश की गई है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संजीव ऑन द गोल्ड मेडल इन द एशियन बॉक्सिंग हेल्ड इन द दुबई सो रिलेटेड ही रिलेटेड टू विच गेम। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, बॉक्सिंग एशियन बॉक्सिंग है, तो राइट ऑप्शन होगा बॉक्सिंग की तरफ से। किससे? बॉक्सिंग से रिलेटेड है और दुबई में हेल्ड किया जा रहा है एशियन बॉक्सिंग। आप पूछ लेगा कि संजीव आप किस गेम से रिलेटेड है, तो बोल राइट ऑप्शन होगा बॉक्सिंग के से। अगला देखते हैं, दिल्ली सीएम इनोग्रेटेड द फ्री कॉस्ट ऑफ द वॉक इन द वैक्सीनेशन फैसिलिटी फॉर हुम। तो राइट ऑप्शन होगा ए जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट के द्वारा ये राइट इनोग्रेट किया गया है दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा। और यहाँ के गवर्नर की बात करें दोस्तों, तो कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बजाज। कौन है? अनिल बजाज। तो इस स्कीम के साथ जर्नलिस्ट को फ्री वैक्सीनेशन मिलेगा और उनके फैमिली को। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस टेम्परेचर डाटा लॉगर फॉर द कोल्ड चेन मैनेजमेंट MBTech डेवलप्ड बाय विच IIT इंस्टीट्यूट। MBTech है जो तो कोल्ड चेन के लिए मैनेजमेंट करने के लिए, और ये डायरेक्ट जो डेवलपमेंट किया गया है वो IIT रूपर की तरफ से किया गया है। IIT रूपर की तरफ से, जो सिचुएटेड है पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर। अगला देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल बी होल्ड द ब्रिक्स चेयर मीटिंग थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो कंट्री है दोस्तों इंडिया। इंडिया इसे होस्ट करेगा ब्रिक्स चेयर समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। अगला देखते हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रेन अलाउड बाय द चाइना आफ्टर रिलैक्सेशन इन इट्स वन पॉलिसी फेल्ड। वन चाइल्ड पॉलिसी फेल्ड। तो चाइना के द्वारा जो ये लाई गई पॉलिसी दोस्तों वो है 3, और ये वन पॉलिसी जो थी चाइना की वो फेल हो गई। जिससे क्या हो रहा था कि वहां के जो जनसंख्या है, वहां के अपर एज के जो ज्यादा है 60 से एबव एज के, उनकी संख्या ज्यादा होने लगी थी। तो इस वजह से चाइना की गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को अभी हटा के और 3 चाइल्ड की पॉलिसी अप्लाई की है। नेक्स्ट देखते हैं, दिव्या चीतल एंड स्वास्तिक घोष कन्फर्म ए मेडल अंडर द 19 गर्ल कैटेगरी सो बोथ रिलेटेड टू विच गेम। तो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों टेबल टेनिस। टेबल टेनिस से ये दोनों लोग रिलेटेड हैं, दिव्या चित्तल और स्वास्तिक घोष। इन्होंने गोल्ड मेडल अभी अंडर 19 में जीता है।
वर्ल्ड नो टोबैको डे 2021 सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ए 31 मई। 31 मई को नो टोबैको, वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया गया, जिसकी थीम थी दोस्तों कमिटेड क्विट। कमिटेड क्विट। अगला देखते हैं, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च द हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, सो व्हाट इज द पर्पज फॉर इट? तो ये राइट ऑप्शन होगा टू होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ द हॉर्टिकल्चर। इससे क्या होगा दोस्तों कि ये जो हॉर्टिकल्चर के अंदर एक बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आया जिससे ग्रोथ हो, उसके लिए ये चीजें लॉन्च की गई है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को। हॉर्टिकल्चर किससे रिलेटेड होता है दोस्तों? बाग बागवानी से रिलेटेड। अगला देखते हैं, बाय विच यूके रिपोर्ट पब्लिश्ड कोरोना वायरस वाज क्रिएटेड बाय द चाइनीज साइंटिस्ट इन वुहान लैब? तो ये रिपोर्ट थी दोस्तों यूके की, यूके डेली मेल रिपोर्ट के तहत इस चीज को पब्लिश किया गया कि जो वुहान वुहान लैब है चाइना के अंदर, वहां के साइंटिस्टों ने कोविड जो सार्स कोविड 19 आया है जो, उसको इसने साइंटिस्टों ने क्रिएट किया है, तो इस रिपोर्ट में उसको दर्शाया गया है। दोस्तों यहीं पे वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।